यार फाइल यार डर लग रहा है यार पूछा था आपको सब हौसला दे रही हौसला हमारा दिल बड़ा कमजोर है भैया जय माता दी हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? हुक करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो रात को सोते सोते बहुत ज्यादा लेट हो गए थे क्योंकि हम लोगों ने देखी थी दो मूवीज, दोनों मूवी बहुत अच्छी थी। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11, तो मैं और गोलू उठ चुके हैं। गोलू फोन में लगी हुई है और बच्चे सारे नहा धो के रेडी होके वापस से सो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों के कमरे की हो रही है डीक्लीनिंग। तो भाई यहाँ पे बच्चों के सारे सामान कमरे का निकाल दिया है क्योंकि बच्चों के कमरे में ना गद्दे रखते हैं, तो गद्दों की वजह से ना नीचे जो है मिट्टी मिट्टी हो जाती है, इसलिए ना पूरा रूम खाली किया गया है। रूम खाली करने के बाद बच्चों के रूम की सफाई हो रही है, तो यहाँ पे सारा जो है गद्दा निकाल दिया गया है। गद्दा निकालने के बाद सारे रूम को पूरे अच्छे से डिटॉल से साफ होगा, फिर एक और चीज से साफ होगा, फिर जाके बच्चों के गद्दे वापस लगाए जाएंगे। सारी ऊपर की वॉल की सारी डस्टिंग होगी, अलमारी पूरी क्लीन कर दी है बच्चों की, पूरी क्लीन होगी अलमारी, नीचे से सारा क्लीन करेंगे, यहाँ से भी पूरी क्लीनिंग कर दी है क्योंकि कल आई थी बारिश और बारिश की वजह से पानी अंदर आ गया था। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना एक अलमारी बनने वाली बच्चों के लिए, और वो अलमारी बनाने के लिए ना पहले पूरा अच्छे से कवर कराना पड़ेगा ताकि जो है बारिश का पानी अंदर ना आए क्योंकि बारिश के पानी से सामान खराब हो जाता है, इसलिए पूरा पहले अच्छे से कवर करा के फिर अलमारी बनानी है। और आज खाने में बना है भरवा टिंडा। तो टिंडा बाकी लोगों को पसंद नहीं पर मुझे पसंद है, मुझे हरी सब्जी सारी पसंद है। गोलू को टिंडा पसंद नहीं है पर मैं उसे बोलूंगी टिंडा नहीं है भिंडा है। तो गाइस मैं कल से भी सोच रही थी कि तूबा की अलमारी सेट करूं क्योंकि और है ना इतनी बड़ी बड़ी फ्रॉक है ना, और ये अभी फ्रॉक है ना ये विंटर्स की और ये बहुत ज्यादा बड़ी है। मैं सोची बड़ी फ्रॉक ना रखवा देती हूँ और जो इसकी पार्टी वेयर फ्रॉक है उसकी वजह से ना इसके दूसरे कपड़े दिख नहीं रहे, कब छोटी हो जाएंगी। मैं रखवा नहीं रही अंदर, फोल्ड करके कोली पे रखवा रही हूँ, एक साइड पर जो रेगुलर पहनने की है वो लटका रही हूँ, इसके साथ कुछ नहीं टॉप के साथ नहीं। तो गाइस ये सारी छोटी छोटी फ्रॉक हो रही थी, ये ओहो ये फ्रॉक तो 0 to 3 months की है पर अभी हम तूबा को पहनाएंगे। ये वाली फ्रॉक हो गई, ये फ्रॉक हो गई क्योंकि पहनेगी नहीं तो सारी फ्रॉक ना वेस्ट हो जाएगी। ये देखो ये फ्रॉक इतनी छोटी छोटी फ्रॉक है, नौ से छोटी है, छोटी है ये, और ये फिर उसमें जाएगी पार्टी वेयर में। यार ये भी नहीं पहननी इसने अभी तक, और पर्स वाली और ये दूंगी बड़ी नीतू मासी ने दी थी बच के जान। अरे बड़ी कितनी है पायल, अभी नीतू मासी ने अपने जैसे घर से पाल दिया है। नीतू मासी ने इतना पहले मेरे पाल के कपड़े होया करते थे, अब भाई तूबा के कपड़े होते हैं, समझ ही नहीं आता कपड़े रखेगा। दीदी इसको घर पे भी सूट पहनाओ, दो दो तीन तीन बार चेंज करते हैं कपड़े, करो ऐसे छह छह बार चेंज करो, हर 3 घंटे में तूबा के कपड़े चेंज करो, ऐसा ये ना हो कि कोई कपड़ा उसने पहना ना हो। तूबा के पास है ही कपड़े काफी है, कम है ना कम। वैसे भी ऐसे होता है लड़कियों के ज्यादा ही होते हैं। तो भाई इतना चमकदार हो गया ना कमरा, कहीं भी कुछ भी मिट्टी नहीं है, बहुत ही ज्यादा सुंदर मेरे बच्चों का कमरा हो गया है। अब बस लाइट बंद कर देती हूँ, बच्चे सो रहे हैं अभी वहाँ पे, और यहाँ की सफाई होगी, इस घर की सफाई करवा देती हूँ। तो अभी उस कमरे में गई थी मैं, तो मैंने कहा पूरा कमरा क्लीन लग रहा था, पर ना टीवी के नीचे ना वो ड्रिलिंग करी होगी उन लोगों ने और वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी, तो अभी मैं उससे पूरी मिट्टी साफ करवा रही हूँ। शुक्र है घर में कैमरे हैं गाइस, मैंने इनको कैमरा में से देखा, ये खड़े यहाँ पे झूल रहे थे दोनों, इनके साथ ये भी खड़ी हो गई। आजा यदू आजा, ये लोग झूल रहे थे। तो गाइस इसको बड़ी मुश्किल टोपी पहनाई है, इसको पता है मैं टोपी पहनाई हूँ, ताली टे करी ले ली। इतनी सुंदर, पता है गोवा में लाइक करते हैं सब, तूबा कलेक्शन ने बनाई है, तूबा कलेक्शन ने गोवा टोपी बनाई बच्चों के लिए। गोवा जाओगे, जब गोवा जाऊंगी तब बात करियो, तूबा कलेक्शन में ऐसे सूट मिलने वाले आपको छोटे छोटे। ये लड़का जो है हमारे घर का इतना चलाक आदमी है, इतना चलाक लोमड़ी है, इतना चलाक लोमड़ी, जब इसको कोई लोमड़ा है तो ये कहते हैं सोचते हैं जा रहा कहीं, तो उसके गोद में जाने के लिए देखो देखो, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैठ के। बोलू सब्जी कैसी है यार, मेरे को तुमने पागल बनाया यार। क्या हुआ? मैंने पूछा शांति से किस चीज की सब्जी, शांति कहती दीदी खा लो, मैंने खाई बहुत टेस्टी लग रही है, मैं एक रोटी खा ली, मैंने एक ही खाऊंगी, अब मैं दूसरी रोटी मंगाई। अब पता चला टिंडे की सब्जी है, मैंने सुबह बता दिया था इसके यार टिंडा कोई खाता मेरे अलावा, पर देखो ये टिंडे इतने टेस्टी बनते हैं सच में, ये व्यायाम होता है लोगों का, टिंडा अच्छा नहीं होता, टिंडा इतना टेस्टी होता है, घी से ज्यादा टेस्टी टिंडा होता है। तो भाई मैं नहा धो के हो गई रेडी, और आज मैंने पहना है अपना 2018 का वन पीस, और आज हमें जाना है बर्थडे पार्टी में भी। तो बर्थडे पार्टी के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या पहना है। मैंने ये पहना है ब्लैक कलर का वन पीस, जो कि मैंने आज से ये लगा लो 2018 में खरीदा था, और उस टाइम 799 का था ये, मैंने H&M से लिया था। मैंने अपने ना पुराने कपड़े बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे को पुराने कपड़े कभी ना कभी फिट हो जाएंगे, तो मुझे फिट हो गया ये। और बस मैं जो कपड़े आज पहनने वाली हूँ वो दिखा देती हूँ मैं और गोलू दोनों। तो भाई यहाँ भी पता नहीं चलेगा, मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ पहले, फिर आपको वहां जाके दिखाती हूँ कि हम क्या पहनने वाले। वैसे ये भी अच्छा है एक्चुअली, मैंने ना पहले मंगाई थी तो पहले 10 नंबर आता था मुझे, फिर मुझे आया 8 नंबर, फिर मुझे आया 6 नंबर, अब मुझे 6 नंबर। तो भाई मेरा तो जंपसूट मिला नहीं है, गोलू का मिल गया, ये है गोलू का जो कि गोलू पहनने वाली आज की पार्टी।
दुबई में, मेरा मुझे लगता है मैंने दुबई के लिए पैक किया है, तो मैंने दुबई के लिए कपड़े यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ से निकाल। तो भाई ये सारे कपड़े जो मैं दुबई लेके जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि बैग मंगा के ना बैग में रख ही देती हूँ, यहाँ पे बहुत पोच हो रहा है सारा। बोलो ये तू पहन लियो, ये मुझे नहीं आएगा, ये सारे कपड़े मेरे नए हैं सारे टू जेड जो मैंने अभी तक पहने नहीं। तो गाइस यहाँ पे पैकिंग भी हो गई है, तो मान लो मुझे कल कहा था कि गोलू तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दवाइयों की, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल मैंने निभाई है। दवाई सारी एक एक करके दे देती है, और दवाइयों में हम खाते हैं मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, और दो तीन दवाइयां जो मेरे को लेके आनी, लीवर 52 हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये सब दवाइयां भी एड ऑन करनी है। तो अभी अभी चीकू के पापा का कॉल आया, इनको इतना डर लग रहा है ना, डर तो लगता है भाई, मैं तो कल वीडियो देख रही थी बंजी जंपिंग, मुझे उसी के अंदर डर लग रहा था। और जब तुम ऊपर, और सबसे बड़ी बात है कि ना तुम्हें तीन अटेम्प्ट देते हैं, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस देखी, मैंने कम से कम 25 वीडियो देखी, तुम्हें तीन अटेम्प्ट देते हैं, तीन अटेम्प्ट में अगर तुम नहीं कूदते तो तुम्हें नीचे वापस लेके आते हैं, और तुम्हारे जो पैसे है वो वापस नहीं देते, क्योंकि वो पैसे नॉन रिफंडेबल होते हैं। और तुम्हें सबसे बड़ी बात, जैसे अब ये ऐसे हूं मैं भी खुद कूदना, तुम नीचे देख के कैसे कूद सकते हो, चाहे तुम्हें जितना मर्जी पता हो तुम्हारे को रस्सी लगे, बट फिर भी यार जिगरा चाहिए, जिगरा जो मुझ में नहीं है। अगर मैं जाती मैं तो देखो स्काई डाइविंग तो मैंने इसलिए कर ली क्योंकि मेरे पीछे पायलट मेरे को लेके कूद गए थे, वो तो मैं तब भी इनको नो नो कर रहे थे, मेरे को पीछे से पकड़ लिया था ऐसे, उन्होंने मुझे कहा था समझा के गए थे, अरे जब ना आप मैम नीचे कूदोगे ना अपना ऐसे रखना ठीक है, मैं वहां जाकर सब कुछ याद था ऐसे रखना है, जैसे मैं नीचे कूदी मेरे पीछे से उनको पकड़ लिया, कह रहे छोड़ो पैराशूट ओपन करने, नो कैसे मुझे कौन नहीं मारी, माननी पड़ी उसको, अगर वो पैराशूट ऑन नहीं करता तो मैं भी मरती साथ में, वो भी मेरे साथ जाते। गाइस कूदना उदना तो चलो फिर भी वो कूदवा देते हैं, पर कूदने के बाद जो नाक से मुंह से सामान निकलता है ना, वो वीडियो तो बनती है गोप्रो से, पर वो वीडियो में हमारा मुंह इतना गंदा दिखता है, मैं कहती हूँ जितने लोग भी जाए वो वीडियो मत बनवाना, बड़ी गंदी होती है, नाक निकलता है, मुंह से थूक निकलता है, क्योंकि इतनी 10,000 किलोमीटर से आपको नीचे फेंकते हैं, तो सोचो कितनी तेज हवा में आपको नीचे आना पड़ता है। 5,000 तो फ्री फॉल होता है उसमें, फिर 5,000 में पैराशूट ओपन होता है आपका। गोलू तेरे वजह से बहुत लेट हो रहा है यार, गोलू मैं कब से रेडी हूँ, मैं भी रेडी हूँ, देख कौन रेडी है, ये गोलियां मैंने खाते बेटे, आई हैव स्टोन चल दे दे अब आपको, सारी फिश ऑयल है, मल्टीविटामिन है, विटामिन सी और कैल्शियम है। विटामिन सी कौन सी है, विटामिन सी वो है ना स्वेलो करने वाली, बच्चों के जितने भी कपड़े छोटे हो गए ना आप निकाल के एक काम करो, देखो कितने क्यूट कपड़े, इतने क्यूट एक एक बार पहने सिर्फ, इतने प्यारे लगते थे ना, मेरा फोटो भी है इनकी ऐसे वाले कपड़ों में। एक काम करो जो कपड़े छोटे हो गए ना निकाल के तुम बच्चों को दे के आते हो। तो आज नवा धोके हो चुके हैं रेडी, और आज मैंने इतने पुराने कपड़े पहने, ये जो जींस है ना ये मैंने हैदराबाद में ली थी, और 2019 या 2020 की है, और ये तो भाई बहुत पुराना है, ये 2017-18 का टॉप है, तो आज मैंने वो पायल दोनों ने ना साथ लिया था, तो हम साथ पहनते थे दोनों है, कभी मैं ये पहनती थी कभी पायल ये पहनती थी, दोनों ने सेम पहने। तो गाइस यहाँ इतनी सारी एक्स्ट्रा चप्पल पड़ी है, इतनी सारी एक्स्ट्रा चप्पल जो कि हम पहनते भी नहीं है, तो मैं बहुत सारी चप्पलें जो निकाल देती हूँ, क्योंकि हमारी जो लड़की है ना वो पहन लेंगी, तो यहाँ पे बहुत सारी चप्पलें निकाल रही हूँ। मनो इधर आइए बेटा कपड़ा लेके, कपड़ा कह रही कभी बताना हम नहीं आएंगे, टेंशन मत लो हम नहीं आएंगे, मेरे को वैसे भी चक्कर आ रहे हैं, बहुत ऊंचा है पायल यार, बहुत है, जितना जितना हमने उससे डबल, हमारी सोसाइटी से भी ऊपर है। हाँ बेटा डर लग रहा है, डर लग रहा है चीकू, हमें लग रहा है हमें, हाँ घोड़े वाली टॉम बॉय ना, टॉम बॉय पता नहीं टॉम बॉय होता है क्या होता है, देखते हैं। धीरज भी क्यों था, धीरज धीरज भैया से बात कर रही हूँ, अच्छा हम रख लेंगे ध्यान, तुम चुपचाप, हम तो है ना यहाँ पे, हम रख लेंगे, तुम कूदो। सूरज भैया को डर नहीं लगा यार, सच में पाल अच्छा है ना, हम नहीं गए, ठीक है लो लो वीडियो लो आप लोग, शुक्र हम नहीं गए। चीकू पापा का है, ओहो बस भगवान का नाम लेके कूद जाना, नहीं नहीं बिल्कुल जिंदा तो रहोगी, सर का बर्थडे तो सेलिब्रेट करना पड़ेगा ना, नहीं नहीं सेफ्टी है, सेफ्टी है, जैसे एक बात है जो अच्छे से वीडियो कोई और कूदा और हम यहाँ चिल्ला रहे हैं उसके लिए, कह रहे भाई थोड़ी कूदा है, अभी धीरज कह रहा है तू तू भी मेरे को ऐसे पागल बनाती है, ये चीकू पापा है, यही रुकना यही रुकना, नहीं तो जब जो खड़े है वही है कि अच्छा वो सब जा रहे होंगे ना यार, फाइल यार डर लग रहा है यार, पूछा था फाइल कहीं गए के भाई, क्या गए के, ये गए ये गए, हे अजमेर शरीफ, हे सारी माताओं, हे हमारे जितने भी देवी देवताओं, सब शक्ति देना, सब शक्ति देना, सब सही करना, मैं नहीं पूछ सकती। सूरज कूद गया सबसे पहले, सूरज आएगा पूछेंगे क्या हुआ था तेरे साथ ऐसा कि तू सबसे पहले कूदा, मुझे लगता है ना अक्कड़ पकड़ बम्बे वो किया होगा, और सूरज का नाम पहले आया होगा, मैं तो अक्कड़ पकड़ बम्बे वो में खेलूंगी नहीं, पापा कूद रहे जल्दी आओ, पापा ऋषिकेश को गुड्डू, अभी कोई और खोदा और मैं जोर से चलाई चलाए, आपको सब हौसला दे रही है, हौसला पापा कूदेंगे, आप अभी ना कोई और मेरे को बोलू बोलेगा आप कूद गए, हम इतनी जोर से चिल्लाए यहाँ से, धीरज भैया कह रहे अभी भैया नहीं कूदे, अभी कोई और कूदे, सारे बच्चे चीख रहे हैं हमें, बहुत एक्साइटेड, बस लाइव देखना ब्लॉग में भी दिखाना, हमारा ब्लॉग चल रहे कोने कोने, सुनो मेरे हाथ कांप रहे हैं डर के आगे जीत है, पकड़ पाल पाल कह रहे मैं बंजी जंपिंग करके रहूंगा, नहीं बाबू बोल रहा हूँ।
हमारा दिल बड़ा कमजोर है भैया। कौन जा रहे हैं? बंजी जंपिंग करने को कह रहे हैं। आप जा रहे हो? रुको मैं मंदिर में जाके बैठती हूँ। जय माता दी। तो गाइस ये व्लॉग नहीं देखा 2 बजे वाला फैमिली फिटनेस वाला व्लॉग देखना, यहाँ पर लाइव हनुमान जी हमारे सामने कूद रहे हैं। हमारे तो हाथ पैर ऐसे सुन हो रहे हैं। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। गुड आप देखो कूदने आप जा रहे हो, पसीने हमारे निकल रहे हैं। डर लग रहा है। ओह माय गॉड देखे पीछे तुम यू देख। अब जब तक तुम कूदो और ही कूदने वाले। कैमरा लेके इस तरफ आ रहे हैं भाई। अभी मुझे भी दिखाती रहे यार। पहाड़ देखे कितने ऊंचे। सामने खड़े पाए हे भगवान। ये माता रानी पापा को शक्ति देना। पापा भी नहीं, पापा हमें जाना है। जय माता दी। बर्थडे गिफ्ट लेने दो लोगों का, बोलो चलते हैं वरना लेट हो जाएगी। पाली वाली ये तो कूद गए। हम नीचे आएंगे तो हमें फोन में फिर पता लगेगा सब ठीक है। आप नहीं पाए तू बुझेगी। चल चल क्या। अच्छा मैं आगे करूंगी। मैं आपको पीछे से लात मारूंगी। मैं भी यही बोलूंगी। मैं ऐसे खड़ी होंगी, मैं बोलूंगी मैं क्या करूंगी। मैं नीचे नहीं देखूंगी, मैं जाके एक बार देखूंगी और आग बन के खड़ी हूँ। बोलूंगी पीछे तो चाहे लात मारो तो गाइज हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट लेने। तो हमारे साथ आनू जा रहा है क्योंकि आनू बाहर घूमने के लिए बहुत रोई रोई कर रहा था। तो गोलू अपना फोन बुलाई थी, गोलू फोन लेने गई है। ये तो भाई आप सबको पता है जब भी हमें वेडिंग बर्थडे कोई भी गिफ्ट लेना होता है तो हम आते हैं आर्चीज गैलरी। और बच्चों के लिए जो रूम डेकोर किया था वो भी यहीं से किया था। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है और हमें क्या लेना है। आई आज के पोएम नहीं सुनता बंदर मामा पहन पजामा ना 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 ना। तो इसको आते ही बंदर मामा ले लिया। अकेले अपने लिए ले रहे बंदर मामा। आपके 2 भाई बहन और हैं, वो कुछ और करेक्टर बन जाएंगे। देखा बनाओ तू बोल जाए तो ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत है कि काफी कुछ और ले लूंगी इनके लिए। आपके लिए है भालू बाबू और जैद के लिए मैं सोच रही हूँ डोरेमोन लूंगी पांडा। इसने वहाँ से गाड़ी भी उठा ली है भाई के लिए अपने। ये शारे बहुत बड़े हैं। अरे मैंने बहुत जबरदस्त चीज दिखी मुझे, आजा बताऊँ। देख मैं सोच रही हूँ बच्चों के रूम के लिए ऐसी क्लॉक होनी चाहिए यार। ये क्लॉक ये मैं लास्ट टाइम देख के रही थी। क्यों नहीं? नहीं? बच्चे को पापा ने वो लगी जो लगाई है अभी। अच्छा बड़े क्यूट लग रहे ना क्लॉक। तू आई थी यहाँ पे? मैं यहीं से तो ले गई थी। मैं जाओ अच्छे लग रहे। तो भैया की शॉप पे हम फर्स्ट टाइम अयान को लेके आए ना तो हमने कितनी बार मना करा मत दो पर भैया ने अयान को गिफ्ट दिया है, शगुन दिया है। तो ये भाई तो और साथ ही साथ बड़ा प्लान आने वाला है हमारा बहुत ही जल्द यही आसपास। तो गेस करना क्या है क्या नहीं है कमेंट जरूर करना कि आपने गेस कर लिया है कि हम क्या प्लान लेके आना है। ऐसे तो पायल बोल रहे हैं बच्चों के लिए पहले कहते हैं ये भी ले बच्चों को दूध चाहिए इसकी आवाज नहीं जाएगी। ये भाई जब भी मैं टॉयज लेती हूँ हमेशा 3 लेती हूँ कि घर पे लड़ाई ना हो। पिछली बार मैं फोन लेकर आई थी एक ना तो लड़ाई हो गई थी, फिर मैं अगली बार 2 फोन लेने और गई तो मुझे मिला नहीं। तो अभी देखो मैंने 3 रैटल ली है और घंटी मिली नहीं, घंटी 2 ही थी। तो यहाँ पे 2 घंटियां ली है। दोनों बजा रहे थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो हमारे ज्यादा यान तो कौन है मेरे को, ये मेरे को बीच वाला तो जैद लग रहा है थोड़ा बड़ा है ना। ये सुबह लग रही है ये यान है बेटा। इतनी सुनती बोलू व्हेल मछली डॉल्फिन है, इन डॉल्फिन या पेंगुइन है। बड़ा नहीं लग रहा समझ नहीं आ रखे हैं जिस चीज समझ नहीं आ रही वो लूंगा। तो शॉपिंग हो गया डन, बच्चों की गिफ्ट भी ले ली है, घंटी तो बजाई जा रहा है और हमारे दोनों गिफ्ट के पीछे भी पैक हो गए हैं। भाई देखिए भाई कैसे खेल रहे हैं, एक मुंह डाल के और 2 हाथ में, क्योंकि पता है ना मैं 2 ही हाथ पे कैसे खेलूंगा। गिलगिला कर दिया हमारा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सब्जी मंडी, मंडी नहीं गए सॉरी सब्जी वाली शॉप पे। तो यहाँ पे सब्जियां ले रही हूँ, तो भिंडी ले रही हूँ जो की मुझे बहुत पसंद है, करेले ले रही हूँ साथ में, गाजर, घर पे कोई भी सब्जी नहीं, सारी सब्जियां लेनी है। भैया 1 किलो भिंडी निकाल दो। करेले से अच्छी नहीं लग रही, देखियो करेले लूंगी नहीं। तो गाइस कल ना मैंगो शेक ना यान पी रहा था शौक से, तू और जैदी भी थोड़ा थोड़ा पिया था। तो बच्चों के लिए बनाना शेक मैंगो शेक, क्योंकि अभी गर्मी है ना तो इनके लिए कोल्ड कॉफी ये सब बनाऊंगी। बच्चों के लिए 2 मैंगो ले रही, भैया 2 मैंगो दे दो। करेले मैं पिछली बार लेके गई थी, मैंने कहा था गोलू आएगी तो गोलू बनाएगी, अब गोलू तो आ चुकी है। आज कटवा ली उसे बनवा ली, आज बनाऊ, आज थोड़ा शॉर्टेज ऑफ टाइम पाए, आज नहीं बन पाएगा शॉर्टेज ऑफ टाइम है। अच्छा आज हम पार्टी में जा रहे, कल बनाऊंगी। नाशपति फ्रेश लग रही, बोलू मैं नाशपति ले रही हूँ। तो बच्चों की प्यूरी बन जाएगी ना और ये आएंगे तो ये भी खा लेंगे। तो भाई बीटरूट भी ले रही हूँ क्योंकि आजकल ना बीटरूट की हम रोटी खाते हैं। लहसुन कितने बड़े बड़े यार, लहसुन ये फमली लहसुन लग रहा था, प्याज है ये कुछ। तो गाइस ये फ्री है धनिया और मिर्ची दोनों, इतना प्यारा हम सब्जी लेके जाते हैं, धनिया मिर्ची फ्री भी लेके जाते, इतना प्यारा धनिया और इतनी प्यारी मिर्ची है ना प्यारी। जब नेल पेंट लगी होती है ना तो पैर बड़े सुंदर लगते हैं यार। मैंने एक रेसिपी देखी थी बहुत टेस्टी मशरूम की, ये मशरूम कितने। तो गाइस कल का ब्लॉग बिल्कुल मत मिस करना, कल मैं देने वाली हूँ माय फेवरेट मेरी प्यारी सी करेले की रेसिपी।
रेसिपी जो मैंने बहुत साल पहले बनाई थी, मतलब 5-6 साल पहले बनाई थी, पायल को बहुत पसंद आई थी वो करेले की रेसिपी, वो मुझे मम्मी ने सिखाई थी। वो रेसिपी आएगी फैमिली फिटनेस पे, पर मम्मी ने आज तक ब्लॉग में बताई नहीं है, तो मैं बताने वाली हूँ कल, और रेसिपी जरूर देखना, उससे करेले आपके बच्चे भी खाएंगे और कड़वे भी नहीं लगेंगे। अभी पायल कहती है अयान को, ये खून कैसे आ रहा है इसका, मेरे मुंह देखना गाइस, ये क्या बना दिया भाभी इसने, इसको ये सगन का लिफाफा जो भैया ने दिया था वो दे दिया, मांग रहा था मैंने दे दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब ये खाने लग गया, जैसे मैंने छीना ना तो देखा ये ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है, फिर मैंने इसका मुंह साफ करा, ये केमिकल होता है उसके अंदर, बिल्ली 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 देखा ये गया, ये खेल ले तू। पर बच्चे गाड़ी में कब बैठेंगे अपनी सीट पे, ये बैठे तो है नहीं, इनकी पर्सनल सीट भी तो है, कोई लगवाता है सीट वो, भैया को बोलते हो सूरज भाई को तो गेट लगवाना, सीट लगवाना, बहुत सारी चीजें ऐसे पड़ी हैं, सारी चीजें अपने पास, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, अपने पास सब कुछ है जो भी बच्चों के लिए होना चाहिए, और वो भी गिफ्ट में आ रखा है, ये नहीं पैसे से खरीदे हो, मतलब हर ब्लॉग में गिफ्ट की बात करती है ना, रोने लग गया क्यों, घर आ गए ना पता चल जाता है, रो रहा है कि मेरे कुछ क्या हो गया, आलू नीचे छोड़ दे, अरे हमारे टाइम पे भी ऐसा ऑरेंज, ये रो रहा है आलू, इसे बचा मत बेटा बच्चे उठ जाएंगे, क्या पता बच्चे जाग रहे हो, क्या पता सो रहे हो, आते इतनी देर भूख लग रही, क्यों ना टिंडा को बड़ा खाया जाए, मैं तो रात के चौल खा रही हूँ, उन्होंने उस टाइम टिंडा खा लिया, कभी अब नाम पता लग गया टिंडा, अब नहीं खा रहे टक्कर उसने, भाई आप बहुत शैतान हो रहे हो, छोड़ो अब आटे के साथ खेलने लग गया ये, भाभी इसकी क्लास लेना, ये पिट्टा करूंगी अभी, दोनों बच्चे सो रहे हैं, एक ही लड़का घूम के भी घूमा हुई है 1.5 घंटा, फिर भी इसको अभी भी मस्ती करनी है, अभी भी सोना नहीं है, भाभी आटे वाली ड्रम्मी से खेलता है, मुझे दे दूंगी आज साफ कर, रोटी खाएगा, रोटी इसको आटे वाली ड्रम्मी से खेलना है, आज भाई बच्चों ने मुंह में हाइलाइटर ब्रश डाल लिया था, हाइलाइटर ब्रश की हालत देखना कैसी हो गई, तीनों बच्चों ने यार नए कपड़े पहने हैं, और इतने सुंदर लग रहे हैं तीनों बच्चे, बहुत प्यार लग रहे हैं, और तू बने तो मम्मी वाली जीन्स पहने जो मम्मी लेकर आई थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है, ये बंजी जंपिंग कर रही पापा की तरह, देखो देखो गाइस पापा किस तरह करेगी, तू बा ये अपने आप करना है, कोई सहारा नहीं देगा, ये करो बंजी जंपिंग, ये बंजी जंपिंग करनी भाई, अब जैद करेगा बंजी जंपिंग, हाँ। चलो बंजी जंपिंग छोड़ देंगे, अब रस्सी नहीं है कोई, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, ये क्या बेटा बंजी जंपिंग करनी हो गई, अड़ंगी थोड़ी मारनी है, आओ आओ ये अच्छा नहीं किया आपने, फिर से तीसरे ट्राई के बाद चौथी ट्राई नहीं मिलती, पैसे वापस ना लेंगे, ठीक है पैसे वापस नहीं लेंगे, इधर देखो जादू, 1 2 ये जीत गया, 1 2 1 2 पीछे थोड़ी गिरना है, 1 2 सबसे डिफरेंट बंजी जंपिंग की, बैक जंप नहीं करनी, खड़े हो गोलू मां, नहीं बनना गोलू मां, नहीं बनना पापा, बनना पापा, खड़े हो पापा पापा, ये नहीं करेगा भाई ले जाओ ये बच्चा गोलू मां। तो गाइस मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर दी है, मैंने पहनी है ये वाली ड्रेस, और ये ड्रेस मैंने बहुत पहले खरीदी थी और मुझे बिल्कुल फिट आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना जंप सूट ना पहन के मैं ये पहनती हूँ, तो मैंने ये पहन लिया, और मैंने इयररिंग्स में मैंने ये वाले इयररिंग्स जो मैंने दिल्ली से लिए थे, मैंने ये तो अंगूठी है, ये मेरी कहाँ से आई कैंडी से आई थी इयररिंग्स, आई कैंडी से ये आया था, आई कैंडी से ये आया था, तो ये सब मैंने पहन लिया। तो अभी मैं ले रही हूँ अपना प्रोटीन, थोड़ी देर से बनाया हुआ था तो नीचे बैठ गया था, तू घुमा के फिर पीती हूँ, फैन का फैन, पंगा का पंगा, पंगा जना दिया मैंने पंगा, तो वैसे अभी मैं मेकअप हो चुका है, फैन को देख रहा है, फैन जब चलता है उसको बड़ा मजा आता है, फैन का फैन, फैन का फैन का वेरी गुड, आप तो बहुत फैन लग रहे हो, बास्केटबॉल टीम के बेबी लग रहे थे। तो गाइस मैंने इयररिंग्स जैसे ही पहने ना वैसे ही हाथ लगते इयररिंग्स टूट गए, मतलब इतने कच्चे इयररिंग्स से, इतने कच्चे इयररिंग्स से समझ नहीं आ रहा, तो पाल से पूछती, पाल देखो ये अच्छे लगेंगे तो ये पहन लेती हूँ, वैसे मेरा बड़ा मन था डैंगलर्स पहनने का गोल्डन कलर के, बट वाले डैंगलर्स है नहीं यहाँ पे, जैस का मेरा मन है, लगेंगे गिनती के, मैंने अपना पूरा जुगाड़ कर लिया, मेरे पास ये नकली वाले बाल पड़े थे, इनसे मैंने अपना लो बन बना दिया, अब बस मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हो गई बिल्कुल रेडी। तो गाइस यहाँ पे मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, और भाई मैंने पहनी न्यू ड्रेस, ये वाली ड्रेस पालने में लिए मंगवाई थी फॉरएवर न्यू, के मैं वेस्टर्न लुक को खराब कर रही हूँ, तो मैंने सोचा छोड़ो, मैंने जूड़ा खोल दिया, मैं हल्के हल्के कर्ल्स करवा रही हूँ बंटी भैया से, भैया टाइम कितना रह गया, कितनी देर में पहुंच रहे हैं, बहुत दूर है पार्टी पर 35 मिनट, ओ माय गॉड, घर से दिखा रहा था 53 मिनट्स, मतलब हम 20 मिनट चल के आए हैं, और मतलब गाड़ी में चल के आए हैं, मुझे ऐसा लगता है हम 8 बजे तक पहुंचेंगे, क्या कहती है, जब आधा घंटे का टाइम दिखा रहा है तो हम 7:35 पहुंचेंगे ना पहले, अरे आधे घंटे को थोड़ा और लेके चलना, जरूर थोड़ी आधा घंटे दिखा, तो आधा घंटा क्या पता कहीं ट्रैफिक मिल जाए हमें, क्या पता ट्रैफिक ना मिले हम जल्दी पहुंच जाए, मतलब बहस करनी है, मतलब ये नहीं है ना कोई बात,
जल्दी पहुंच जाएंगे या लेट पहुंच जाएंगे, क्योंकि बदल पहुंच वही तो मैं बोल रही हूँ। तो बहस क्यों कर रही है वैसे? चल ठीक है, हम 8 बजे पहुंच जाएंगे गाइस। जब हम पहुंचेंगे ना आपको टाइम दिखा दूंगी कि हम कब पहुंच रहे हैं। तो गाइस हम घर में देखो कैसे रहते हैं, और बाहर जब हम घूमने जाते हैं तो हम कितने अच्छे लगते हैं, कमेंट करके बताना। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेल्स बढ़ाने की। तो पायल के लिए मेरे खुद के नेल्स अच्छे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा तेरे तो बहुत अच्छे बढ़ गए थे, जब मैं तूने नेल्स नेल पेंट लगवाई थी तो तेरे खुद के थे ना, और शेप भी सही थी। करवा चौथ के आसपास की बात है, तब मेरे नेल्स इतने जितने ही है ना, इससे भी ज्यादा थोड़े बड़े थे, हल्के से बड़े थे, हल्के से बड़े से, और मेरी अपनी शेप थी वो गोल वाली। इस बार मैं ये सोच रही हूँ दुबई से आने के बाद ना एक दो बार नेल्स को कटवाने, दुबई से आने के बाद ना मैं नेल्स एक दो बार वो करा के फाइल वगैरह फिर अपने बढ़ाऊंगी। बड़े बड़े लगवाते हैं वहाँ जाते आते तो हमारा आधा मेकअप तो पता होता, ब्लशर भी ले आते, आधा मेकअप तो रास्ते में खा गए हम। मुझे ऐसा लगता है वो इसी साइड रहते हैं, पर वो भी यार इतनी दूर से आए थे बेचारे, हमारे पास इतनी दूर से आए थे, सोचो वो भी बोल रहे होंगे इतनी दूर बर्थडे कौन रखते हैं, बीच में रखना चाहिए। तो अगली बार हम, अब हमने बीच में रखा पर, हाँ अब बीच में हमारा, अब हमने बीच में रखा है ना, इधर ना उधर, हमारे घर से भी 20 मिनट का रास्ता, उनके घर से भी 20 मिनट का रास्ता, एकदम बीचों बीच। अच्छा ये तो हम वहाँ पहुँच गए गोलू। अच्छा तेरे को सारा रास्ते पता ही है ना। अरे वहाँ पहुँच गए यार। अच्छा अच्छा कहाँ? हाँ हाँ, इवेंट पे नहीं आए थे, यहाँ पे सामने देख, सामने देख के। अच्छा समझ गई हाँ, यहाँ पे इवेंट पे आए थे। आए थे याद आ गया, हम इतनी दूर आए हैं यार। भाभी मैंने सो के उठ भी लिया, नींद भी पूरी हो गई। तू सही, हम तो सो भी नहीं सकते, हम सोएंगे तो हमारा मेकअप खराब हो जाएगा, हमारा स्टाइल खराब हो जाएगा, इसलिए हम सो भी नहीं सकते। तो गाइस फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, बड़ा टाइम लगा पर पहुंच गए। अभी ना यहाँ पे लाइट नहीं चल रही थी, तो मुझे लगा नाम तो देख लिया हमने, नाम तो वही था, लाइट नहीं थी, अंधेरा था पूरा। फिर हम ना वहाँ सोसाइटी का नाम भी वही था, तो हम सोसाइटी वाले से पूछे यहाँ कोई पार्टी करे, यहाँ कोई पार्टी नहीं, हम वापस जाने वाले थे। फिर जैसे हम वापस पीछे मुड़ गए वहाँ पे लाइट जल गई सारी, तो हमने कहा चलो शुक्र है लाइट जल गई, तो अब चलते हैं अंदर। तो जस्ट ऐसे ही हुआ था, जब हम आए थे ना ऐसी लाइट बंद हो गई थी सारी, अब जैसे एंट्री करे ना वैसे लाइट, मुझे लगता है कि ना हमारी एंट्री ग्रैंड करना चाहते हैं। मेरे को लगता है पटाखे वटाखे फूटेंगे तब हम बुलाएंगे, हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग सी गेम चल रही है पार्टी में, और ज्यादा रौनक लगाने को। तो ये जो गेम है, इस गेम में हम पर्ची उठाएंगे और जो आएगा उसका जवाब देना है, कुछ भी हो सकता है, कैश प्राइज भी मिल सकता है, तो ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं। नंदू देखते क्या होने वाला है। हाउ मेनी सेल्फीज डू यू टेक अ डे? मैं सेल्फी देती हूँ, देख ली कम है। थैंक यू सो मच। नहीं हम दोनों का एक ही होता है, हमने सोचा हुआ जो भी करेंगे एक। मैं अपने ऊपर से बोला चाहती, मैं जो भी हम करते हैं एक ही करते। तो गाइस आपको बाद में बताऊंगी पूरी बात। केक कटिंग का और केक कट करते हैं, और आप गेस करना इनकी एज कितनी है। मैंने तो पूछ ली है, लड़की बताते नहीं है, अब बता रहे नहीं है, आपने मुझे बताइए ना व्लॉग में, आप लोग कमेंट करना कितनी एज है। प्लेट दे दिए, प्लेट पकड़ लो, हम नीचे कर रहे हैं। तो गाइस केक कट चुके हैं, अब वहाँ पे सबको केक खिलाया जा रहा था, हम लोग तो इधर आ गए थे क्योंकि हम ना पहली बार आए हैं ऐसे ना हनुमान जी की पार्टी में। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पूनम जी ने ऐसा महसूस होने लगा कि हम पहली बार मिले उनसे, क्योंकि चिकू के पापा तो ऑलरेडी इनके इवेंट को अटेंड कर चुके हैं। वो आए थे फर्स्ट टाइम जैद की बर्थडे पार्टी में, उस दिन तो हमने सबको अटेंड किया था, बट हम होस्ट थे तो हमें सबको अटेंड करना था, बट आज ना उनकी पार्टी में उन्होंने हमें इतना अच्छा टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा कि सब गेट क्लोज फ्रेंड्स में। तो सच में पार्टी में इतना मजा किया हमने, इतना मजा किया, इतना मज गया। थैंक यू सो मच। और हम लोग सब मिल रहे हैं 25th को। यस कहाँ? नहीं वाला। हाँ वो बाद में बताएंगे, आपको पता है कहाँ आना है। हाँ बाकी सवाल जो इन्होंने पूछा है ना बताना जरूर, क्योंकि वो तो देंगे गिफ्ट मैं भी साथ में दूंगी। अगर आपने इनके एक्चुअल जो एज बता दी कमेंट पे, तो मेरी तरफ से नहीं इनकी तरफ से गिफ्ट है। हाँ एक्चुअली वो मुझे पता था, वो पर्चा मेरे भी फटने वाला है। आप लोग जितने भी लोग हमें देखते हो ना रोज अपने घर में, इनकी एक्चुअल एज आपको बतानी है, बतानी है। जो सही बता देगा उसको मिलेगा 25 तारीख जैद और तुबा के बर्थडे पे हैम्पर गिफ्ट आपके एड्रेस पे, अगर आपने एक्चुअल एज बता दी। राइट, ताकि सारे कमेंट पढ़ लेना। गालियाँ वाली आने वाली है मुझे। नहीं, कुछ नहीं आएगा। चलो थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन। बाय बाय।
तो गाइस फाइनली पहुंच गए घर पे और बस अभी ऊपर जाते हैं। और सच में रास्ते में आते आते हमने दो तीन काम कर लिए, जैसे कि बर्थडे केक हमने डिसाइड कर दिया। इस बार का जो केक है वो कैसे होने वाला है मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। ऐसा केक मैंने अपने पिछले बर्थडे पे रखवाया था, शिमर वाला, उसके साथ में ब्लू और पिंक दोनों कंट्रास्ट होगा। साथ ही साथ हमने डेकोरेशन भी सोच लिया कि तुबा और अयान के लिए कैसी होने वाली है, मिनी और मिकी दोनों की जो डेकोरेशन होगी। बैग में हमने कार्निवल का कराया था तो इसलिए सोचा है कि इस बार कुछ डिफरेंट कराते हैं। पिंक और ब्लू, मिनी और मिकी का करवाया हमने डेकोरेशन।